वक्त है, इम्तिहान सख्त है, आर पार जंग है, मन में पर उमंग है। नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। पल्स ऑफ इंडिया, जनता की नब्ज को टटोलने के लिए हम पहुंचे बिहार की एक अहम संसदीय सीट आरा। आरा जहां से बिहार के धधकते खेत खलिहानों की जो दास्तान है, जो भाकपा माले की दास्तान है, जो पूरी कहानी है संघर्षों की, उसकी एक अहम कड़ी यहां पर है। यहां से उसके प्रत्याशी हैं राजू यादव, जिन्हें महागठबंधन ने अपना सपोर्ट दे रखा है। उनके समर्थन में तेज यादव से लेकर तेजस्वी सारे लोग उतरे हैं। वहीं उनके सामने हैं आर के सिंह, जिन्हें ठाकुरों का एक बड़ा लीडर कहा जाता है। और साथ ही साथ भाजपा और संघ ने पूरा जोर लगा रखा है लंबे समय से, आरा में ध्रुवीकरण की कोशिशें हैं। यहाँ यह जो चुनाव है, यह चुनाव आमने सामने का चुनाव है। एक तरफ वो ताकते हैं जो लोग आदेश से भारतीय संविधान को खत्म करके देश में मनुस्मृति का स्थापित करना चाहते हैं और देश के भारत का जो संविधान है वो संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन साथियों, यह हिंदुस्तान मनुस्मृति का हिंदुस्तान नहीं है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्यारा गोडसे का हिंदुस्तान नहीं है, यह हिंदुस्तान बाबा साहब अम्बेडकर का हिंदुस्तान है। और यह हिंदुस्तान बनेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर का हिंदुस्तान बनेगा। यहाँ तो हमको लग रहा है कि आर के सिंह और राजू यादव में राजू यादव ही हैं जी। यहाँ दूसरे कोई तो हमको लग रहा है कि खड़ा भी नहीं होगा। चुनाव का क्या सीन लग रहा है? सीन तो ये लग रहा है कि हम लोग तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर राजू यादव का ही नाम आ रहा है कि राजू यादव जीतेंगे। क्या वजह? वजह यह है कि देखिए, ये भोजपुर है। अब भोजपुर में माले का जो है लंबे समय तक का संघर्ष रहा है, हम लोग संघर्ष किए हैं। इस संघर्ष के बदौलत माने एक लंबे समय से इच्छा रही है कि हम माने यहाँ से हमारा कैंडिडेट जीते। और आज हमको लग रहा है कि 30 बरस के बाद, 1989 के बाद हम लोग का एकदम माने एकदम पूरी पूरी उम्मीद है कि यहाँ से फिर एक बार दोबारा हमारा कैंडिडेट जीत करके जाएगा लोकसभा में। और हम लोग नवयुवक है, ये ग्रेजुएशन करके क्या कर रहे हैं बताइए? मोदी जी का राज या कांग्रेस का राज कुछ भी कर सकते हैं हम लोग? मोदी जी कुछ भी नहीं कर सकते, बस दिन भर खेत में खेती करना है और सांझ में रात में आराम से घर में सोना है। ग्रेजुएशन मेरा फाइनल है, कर चुके हैं। नौकरी के चक्कर में इधर उधर उसके पास जा, कोई भी सुनने वाला नहीं है, कोई भी नहीं। पूरे देश में जिस तरह से भाजपा के विरोध में एक भावना है जनता के भीतर, आरा कहिए कि उसकी एक्सट्रीम उसका साक्ष्य बनेगा। और यहाँ लोग कह रहे हैं कि इसको आर के सिंह से सिर्फ जोड़ के देखा जाए, लेकिन जनता ऐसा नहीं कर रही है। वो बहुत सारे सवालों को भूलना नहीं चाहती है, तो इसलिए वो सारे सवाल अपनी भूमिका अदा करेंगे। नौजवानों के सवाल हैं, किसानों के सवाल हैं, महिलाओं के सवाल हैं। लगातार यहाँ मैंने वहाँ जो दिल्ली में एक नए तरह का महिला आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद उसकी धमक यहाँ थी और यहाँ बाकायदा मतलब गैंग रेप के दोषियों को भेजा, लोगों ने संघर्ष करके सजा दिलवाई। तो एक चौतरफा संघर्ष का ये इलाका है और जो कि इस 5 वर्षों में ये संघर्ष बढ़े हैं। 2014 में जो वादा किया था वो एक भी नहीं किया पूरा, ना ही वो 15 लाख जनधन खाता खुलवाया, 15 लाख रुपया नहीं गया। अच्छा दिन की बात किया था, भाजपा नारा दिया था कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार अब की बार भाजपा सरकार, लेकिन जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया। और ये भी बोला था कि बहुत हुआ महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार,
लेकिन ये भी चरम पर पहुंच गया कि जब ले ठगला अपना हम था गाई की अब की माले दिखाई बना कि अब की माले दिखाई बना बटन तीन तारा पर्दा भाई की अब की माले दिखाई बना। नरेंद्र मोदी का नाम सुना है? हाँ। क्या सुना है उनके बारे में आपने? अरे वह न प्रधानमंत्री बान अभी भला किए गरीब का नुकसान किए गरीब का। अरे वो तो 420 ही कोई खाता जीरो पर खोल लो खाता है को पैसा कोई के खाता पर गई खाली झूठों के धोखेबाजी के लिए। आपके खाते में पैसा नहीं गया? 15 लाख? ना सब झूठा बात। गैस मिला आपको? ना सब झूठ बात। गैस भी नहीं मिला? ना। और पैखाना बना? ना कुछ नहीं। ना फिर क्या बना आपका? कहाँ कुछ नहीं दिया। इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया सब? अब झूठ सच खाली कहें कि सब फोकस बाजी हो खाली काम अपन हो जाता है मतलब भी कर गया तो पहचानते नहीं है। हम जानते नहीं थी हम इतना दिन से ये नहीं की जान 420 लगते हैं। हाँ सब 420 खाली जाली बात। पहले वोट के पहले बटवाओ तब न जाने कि हाँ ये लोग दे रहा है काम झूठे के हाँ देंगे एक बाद में काम हो गई तो फिर जाओ ना काम खत्म है ना पैखाना ना कुछ बनवाया ना अथी सफा नचरों ने दिया। हम लोग 10,000-15,000 का खेती करेंगे और उपज के कितना आएगा 10,000 रुपया 8,000 रुपया खेती करके किसान को फांसे लगा के मर जाना है कुछ नहीं कर सकते। जाओ किसान जो क्या होता है किसान कृषि योजना वहाँ जाओ वहाँ पे भी अनेक सारे मतलब आए हुए हैं चमचे इतना दो तो ये काम होगा वो काम होगा होने वाले नहीं है। यहाँ आपका RK सिंह और माले का है राजू जाधव उन्हीं के साथ में है। क्या आपको लगता है कि कौन निकालेगा? क्या मुद्दा है यहाँ चुनाव का? मुद्दा है और काम का जितने भी सांसद हैं उससे बेसी काम लुक रहा है आपका हर चीज में रोड से लेके बिजली से लेके जो भी और लगभग है कि अगला से ज़्यादा ही वोट से आपके जीतेंगे और है माले का जो है हो सकता है कि निकल भी जाए। माले के पक्ष में क्या बात है? माले के पक्ष में कैडर वोट है और राजद का समर्थन है कांग्रेस का समर्थन है और हर पार्टी उनके साथ है BJP अकेली है और बाकी पार्टी उनके साथ है। अभी यहाँ पर जो पुलवामा के बाद BJP हिंदू मुसलमान या भारत पाकिस्तान करने की कोशिश कर रही है उसका कितना असर है? BJP के पास कम है क्या है युवाओं को गुमराह करना? यहाँ के अभिभावकों से पूछिए इसी शाहबाद जिले में 1500 सैनिक शहीद हो गए क्या कश्मीर का एक इंच जमीन आया क्या भारत को? नहीं आएगा। ये लोग चूंकि काम फील्ड वर्क किया नहीं जनता का ध्यान बटाने के लिए लोग सिर्फ पाकिस्तान और कश्मीर का मुद्दा जप रहा है लोग। केंद्र में तो 100% आपका BJP के ही सरकार आएगी इसलिए कि अभी प्रधानमंत्री योग अभी कोई है ही नहीं। इनके पास राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तथाकथित अपराधी असली अपराधी मोहन भागवत ही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पर तो मोहन भागवत के लिए काफी एक बड़ा यज्ञ भी हुआ था जिसमें वो आए थे उससे कितना फायदा हुआ? अरे ये सब देखिए बिहार के एजुकेशन को लोग चौपट कर दिया पूरा नॉर्दर्न इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को चौपट कर दिया वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम रैंकिंग में इंडिया कोई पोजिशन है नहीं। ये सब मीडिया क्रिटिक पर जिंदा है लोग प्रेस को कोई फ्रीडम नहीं है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का स्थान हो गया 141। ये क्या है हर एक 17 दिन पर एक पत्रकार मरा जाता है क्यों मरा जाता है भाई? आरा में हमने देखा कि किस तरह से राजनीति बिल्कुल साफ साफ बटी हुई है। एक पक्ष है जो राजू यादव के पक्ष में उतरा हुआ है वहीं दूसरी तरफ भाजपा RSS बजरंग दल और जो ठाकुर लॉबी है या जिसे कहिए कि दबंग राजनीति करने वाले लोग हैं वह RK सिंह के पक्ष में खड़े हुए हैं। एक बात साफ है कि जो काम यहाँ पर भाकपा माले ने किया हुआ है जिस तरह से राजू यादव की एक पहचान है संघर्षशील युवा नेता के तौर पर
उसने उनको बढ़त दी है। जिन मुद्दों को वो लगातार उठाते रहे हैं, पहले अकेले दम पर उठा रहे थे और इस समय महागठबंधन का पूरा सपोर्ट उन्हें मिला हुआ है। इसने एक अलग ढंग की फिजा इस धरती पर पैदा की है। हमें दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से प्रचार प्रसार चल रहा है राजू यादव के पक्ष में, तमाम दलों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और दोबारा वाम राजनीति का जो ये एपिक सेंटर है यह जिंदा हो रहा है। इससे बड़े पैमाने पर लोगों को आशा है। राजू यादव अगर जीत कर आते हैं तो निश्चित तौर पर यह बिहार के लिए एक मिसाल होगा। जुमलेबाजी करके इसने 5 साल भरमाया है, जुमलेबाजी करके इसने 5 साल भरमाया है, हर हिसाब चुका सब हिसाब चुका करने का अब की मौका आया है।